फाइंड द प्रोडक्ट, इस सब में हम क्या डिस्कस करेंगे? जब भी हमारे पास ऐसे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस आएंगे तो उनको हमने कैसे सॉल्व करना है? ये हमारे पास क्या है, मिक्स फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय होल नंबर। तो जब भी ऐसे नंबर आता है तो सबसे पहले उसके डिनोमिनेटर में हम क्या लिख लेते हैं, 1। ओके, तो आपको सिंप्लीफिकेशन करनी ईजी हो जाएगी और कन्फ्यूजन भी नहीं होगी। तो ये मिक्स फ्रैक्शन है, अब इसकी तो सिंप्लीफिकेशन ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को किस में चेंज करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 3 8 24 + 1 डेट इज़ अ 25 25 बाई 8 मल्टीप्लाई 16 बाई 1। अब इसके बाद देखो हमने इसमें क्या करना है, क्रॉस में हमने कटिंग करनी है। 8 और 16 की चेक करेंगे, 8 और 16 दोनों अपने अपने टेबल पर जाएंगे। 8 कहाँ पर जाएगा, 1 पर, और 16 कहाँ पर जाएगा, 2 पर। जब भी बच्चे हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है, या तो हम क्रॉस में चेक करते हैं या ऐसे वर्टिकल लाइंस में, यानी कि ये नंबर्स की चेक करते हैं कि हो रही है कि नहीं। बट हम कभी भी सेम उसकी नहीं करेंगे, जैसे ना तो न्यूमिरेटर की न्यूमिरेटर के साथ कटिंग पॉसिबल होगी, ना डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर के साथ। हमेशा क्रॉस में ही कटिंग पॉसिबल होती है या वर्टिकल लाइंस में। जैसे 25 की 1 के साथ चेक करोगे, 8 की 16 के साथ, या जो जैसे हमारे पास आंसर आ गया 2 1, या 25 8। इस तरह हमने हमेशा चेक करना है कि इनकी सिंप्लीफिकेशन हो रही है। अब आगे तो कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं होगी, तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, न्यूमिरेटर को हम क्या करेंगे, न्यूमिरेटर के साथ मल्टीप्लाई 25 को 2 के साथ। हेयर इज़ अ 1 × 1। 25 को जब 2 के साथ करेंगे डैट इज़ इक्वल्स टू 50, 50 बाई 1 विच इज़ इक्वल्स टू 50। सो दिस इज़ योर आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ डिवाइड 5 बाई 9 बाई 2 बाई 3। बिफोर स्टार्टिंग इट, फर्स्टली वी हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ रेसिप्रोकल। जैसे हमारे पास यहाँ पर सपोज कोई भी नंबर है 2 बाई 6 है, अगर हमने इसका रेसिप्रोकल करना है, रेसिप्रोकल क्या होता है, जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमिरेटर बन जाता है और जो न्यूमिरेटर होता है वो डिनोमिनेटर। जैसे ये हमारे पास क्या है 2 बाई 6, अब हमने जब इसका रेसिप्रोकल किया, आफ्टर रेसिप्रोकल वैल्यू क्या होगी हमारी, 6 बाई 2। वॉट इट, हाउ विल यू टेक द रेसिप्रोकल? नाउ 5 बाई 9 डिवाइड बाई 2 बाई 3। अब देखो हमने सबसे पहले जो फर्स्ट फ्रैक्शन होती है उसको एज इट इज़ लिख लेना है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में, और जो सेकंड फ्रैक्शन है उसको हमने क्या कर देना है, रेसिप्रोकल। जो डिनोमिनेटर है वो क्या बन जाएगा, न्यूमिरेटर, और जो न्यूमिरेटर है वो डिनोमिनेटर। फिर हमने वैसे ही मैथड फॉलो करना है जैसे हमने मल्टीप्लीकेशन में किया था, कटिंग जैसे सिंप्लीफिकेशन। 3 और 9 की चेक करेंगे, 3 के टेबल पर 3, 1 पे, और 9 कहाँ पर जाएगा, 3 पर। गॉट इट? यहाँ पे क्या है 5 एंड 2, इनकी तो सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, ना 5 और 3 की है, ना 1 और 2 की है। तो अब इसके बाद हमने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है न्यूमिरेटर को न्यूमिरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर। 5 1 5, 3 2 6। सो दिस इज योर आंसर। बाय दिस वे यू हैव टू सॉल्व ऑल टाइप्स ऑफ सम, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन। आई थिंक सो इट्स ईजी, फर्स्टली यू हैव टू ट्राई। देन नाउ हियर वी विल डिस्कस सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ वर्ड प्रॉब्लम, कि आप कैसे चेक करोगे कौन सी प्रॉब्लम हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम एडिशन की है, कौन सी सब्ट्रैक्शन की है। इसमें हमारे पास बच्चे कुछ कंसेप्ट्स होते हैं जो हमने वर्ड प्रॉब्लम को रीड करके चेक करने होते हैं। जैसे हमारे पास एडिशन के लिए क्या है, कि जब भी हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट्स की दो या दो से ज़्यादा कलेक्शंस, उनको इकट्ठे डाल रखे हैं, पुट टुगेदर, तो वहाँ पर हमारे पास क्या होगा, एडिशन की वर्ड प्रॉब्लम आएगी। व्हेन एन इंक्रीज इन नंबर टेक प्लेस, कितने नंबर इंक्रीज हो गए, तो वो पहले वाला नंबर और जो इंक्रीज हुआ उन दोनों को हमने चेक करना हो, तो वो दोनों नंबर को प्लस करके चेक करेंगे कि कितना इंक्रीज हुआ है नंबर में। या कीवर्ड्स, जैसे हमारे पास एंड में लिखा होता है बट इज़ अ सम, फाइंड द टोटल ऑफ ऑल इन ऑल, ऑल टुगेदर, या इस तरह के कुछ भी आपको स्टेटमेंट में गिवन हो, तो उस तरीके से हम चेक करेंगे कि ये वर्ड प्रॉब्लम एडिशन की है। ओके, नेक्स्ट जब हमने वर्ड प्रॉब्लम ऑफ सब्ट्रैक्शन की चेक करनी है, तब कैसे चेक करेंगे, टेक अवे, यानी कि कितना हम उस पॉइंट को दूर ले गए, तो जो पहले पॉइंट था और जो नेक्स्ट जितना हमने चेंज करके लिया, उन दोनों में जो बीच में डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो वो पॉइंट के लिए हम डिफरेंस निकालेंगे, रिमूव। जैसे आपके पास कोई चीज़ है तो आपने उसमें से उतनी उसको स्पेंड कर ली, कितनी बच गई तो वो आ गया, तो उसके लिए भी हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। गिवन अवे, कितना दूर चला गया वो पॉइंट सेम, तो वो सारी चीज़ों के लिए हमने सब्ट्रैक्शन लगाना है। नेक्स्ट इज़ द फाइंड आउट हाउ मच हैज़ बीन गिवन अवे और हाउ मच रिमेन, कितना दूर चला गया और कितना रह गया। मोर देन आ जाए या लेस देन, ऐसे कोई भी कंपैरिजन आ जाए, यानी कि ये नंबर उससे कितना ज़्यादा है। जब भी बच्चे कंपैरिजन की आती है कि कितना, अगर सपोज आपके पास 19 kg
वीट है आपके फ्रेंड के पास 20 kg वीट है, तो कितना ज़्यादा वेट उसके पास वीट की क्वांटिटी है, तो इसमें भी आपके पास कंपैरिजन आ गया, तो उसके लिए भी आपने सब्ट्रैक्शन करना है, लेस देन कि आपके पास कितना कम है। तो ऐसे जब भी कंपैरिजन वाले केसेस आते हैं उन वर्ड प्रॉब्लम्स में भी हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन इज, जैसे आपके पास कीवर्ड दे रखे हो टेक अवे, हाउ मैनी मोर, कितना ज़्यादा है, हाउ मैनी लेस, ये सारे कंपैरिजन आ गए, हाउ मैनी लेफ्ट या कितना ग्रेटर है नंबर या कोई कितना स्मॉलर है। नेक्स्ट इज़ अ वर्ड प्रॉब्लम, जब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के तो हम कैसे चेक करेंगे कि जहाँ पर ग्रुप्स और पार्ट्स हों कोई सेम साइज़ के, वहाँ पर आपको लिखा हो कि वहाँ पर आपने प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। प्रोडक्ट के लिए क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, यू आर आस्क्ड द टोटल, जैसे हमारे पास एक किसी की क्वांटिटी दे दी कि इतनी है और हमने ज़्यादा की फाइंड आउट करनी है तो टोटल आ जाएगा, तो वहाँ पर भी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। डोंट कन्फ्यूज बिटवीन द टोटल की मैम एडिशन में भी था मल्टीप्लिकेशन में, बच्चे यहाँ पर जो टोटल होगा जब आपको वन की क्वांटिटी गिवन होगी और ज़्यादा की आपने फाइंड आउट करनी होगी तो उस चीज़ के लिए आपको टोटल पूछा जाता है। यू नो हाउ मैनी ग्रुप्स, कितने ग्रुप्स बनेंगे, पार्ट साइज ऑफ ईच ग्रुप अ पार्ट टाइम्स दिया हो मल्टीप्लाइड बाय, ये सारी चीज़ों के लिए आपके पास मल्टीप्लिकेशन की वर्ड प्रॉब्लम के बेसिस पर होती है। जहाँ पर हमने डिवीज़न करना है, डिवीज़न मीन्स क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन की होती है किसी भी चीज़ के, जहाँ पर आपको सबसे पहले ये पता होगा कि हमारे पास ये टोटल क्वांटिटी इतनी है, ये इसमें पार्ट्स में डिवाइड होकर डिस्ट्रीब्यूट करी हुई है, तो वहाँ पर हमने डिवीज़न की ही वर्ड प्रॉब्लम अप्लाई करनी है, कितने ग्रुप्स में वो पार्ट में डिवाइड हो गया हर ग्रुप, ठीक है, जितनी हमारे पास ये टोटल क्वांटिटी है तो वहाँ पर कितने ग्रुप्स में वो पार्ट डिवाइड हो गए, तो वहाँ पर भी हमने डिवाइड ही करना है। गॉट इट?